समकालीन दक्षिणी एशिया, ट्वेल्थ क्लास पॉलिटिकल साइंस, तो अति महत्वपूर्ण जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा उपयोगी, उन प्रश्नों को हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज जो श्रीलंका है उसको आज़ादी किस वर्ष मिली। तो श्रीलंका को आज़ादी मिली 1948 में। बांग्लादेश को स्वतंत्रता किस वर्ष मिली, तो वो साल था 1971। भारत पाकिस्तान का बंटवारा किस वर्ष हुआ था, तो 1947 में। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था, तो सिलोन, बर्मा, लंका या सवर्ण नगरी। श्रीलंका का प्राचीन नाम सिलोन। भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ, तो भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ वो साल थी 1962, अक्टूबर 1962 में। 1972 में शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ, कौन से दो देश थे जो 1972 में शिमला में, भारत का हिमाचल प्रदेश का शहर है शिमला, और वहाँ पे समझौता हुआ दो देशों के बीच, वो देश कौन से हैं, भारत और पाकिस्तान। साल कौन सी 1972। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया, तो साल कौन सी थी 1974। कहाँ पे, राजस्थान के जैसलमेर के पोकरण नामक जगह पे पहला परमाणु परीक्षण किया गया 1974 में। दक्षेश का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये ढाका में। दक्षिणी एशियाई देशों के सबसे पहले किस देश ने सैनिक शासन स्थापित किया या स्थापित हुआ, तो सैनिक शासन सेना की शासन व्यवस्था को कब्जे में कर लेती है, नियंत्रण स्थापित कर लेती है, तो उसको कहते हैं सैनिक शासन, और लोकतंत्र को वहाँ उखाड़ कर फेंक दिया जाता है, वो देश था पाकिस्तान। गंगा नदी जल बंटवारे को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा समझौता हुआ था, तो गंगा नदी कौन सी, गंगा नदी के जल के बंटवारे के लिए भारत और बांग्लादेश, देश कौन से, भारत और बांग्लादेश समझौता हुआ, उसका नाम था फरक्का। समझौता हुआ कौन सी वर्ष में, 1996 में। कारगिल युद्ध कब हुआ, तो साल थी 1999 जब कारगिल युद्ध हुआ। कारगिल युद्ध किन देशों के बीच हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच। लिट्टे किस देश का आतंकवादी संगठन है, तो लिट्टे श्रीलंका का आतंकवादी गुट है। लिट्टे क्या है, एक आतंकवादी गुट है, किस देश का, श्रीलंका का। सार्क यानी दक्षेश का स्थापना वर्ष कौन सा है, 1985। सार्क दक्षेश यानी दक्षिणी क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सार्क का पूरा नाम है दक्षिणी क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिणी एशिया के देशों का सहयोग के लिए बना हुआ एक ग्रुप है, संगठन है, उसको कहते हैं दक्षेश। स्थापना कब हुई, 1985 में। वर्तमान में सार्क के कितने देश हैं, तो वर्तमान में सार्क के देश हैं 8। पहले कितने थे, शुरू में 7 थे, फिर एक देश अफगानिस्तान इसमें शामिल हो गया, तो अब कितने हैं, 8। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। किस चुनाव के पश्चात मालदीव में लोकतंत्र मजबूत हुआ, तो 1969 के चुनाव के बाद। दक्षिणी एशिया के कौन से देश आते हैं, दक्षिणी एशिया में कौन से देश आते हैं, तो दक्षिणी एशिया में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका। मालदीव यहाँ द्वीपीय देश है अरब सागर में, ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, ये हिमालय पर्वतमाला। तो दक्षिणी एशिया का जो क्षेत्र है उसकी जियोग्राफिकल देखें, हम जियोग्राफी देखें तो उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ जो क्षेत्र है वो दक्षिणी एशिया का क्षेत्र है, और इसके भारत और जो भारत के पड़ोसी देश हैं वो इस क्षेत्र में आते हैं, चीन इसमें शामिल नहीं है। तो पीएनबी बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, और बीएच भूटान,
एम एस, बी एच एम एस, एम से मालदीप, एस से श्रीलंका, ये देश शामिल हैं। अब हम देख लेते हैं कौन से देश शामिल हैं इसमें। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीप और श्रीलंका, पहला ही ऑप्शन अपना सही है। किस वर्ष नेपाल का राजतंत्र समाप्त हुआ? पहले नेपाल में राजतंत्र था, बाद में लोकतंत्र की स्थापना हुई, तो 2006। मालदीव में सल्तनत समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना कब हुई? जब सुल्तान का शासन होता है तो उसको कहते हैं सल्तनत। 1968 में यहाँ गणतंत्र की स्थापना हुई। गणतंत्र का मतलब राष्ट्र का जो अध्यक्ष है, देश का जो अध्यक्ष है, राष्ट्रपति, वो जनता द्वारा चुना जाए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो उसे कहते हैं गणतंत्र। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन का तख्ता पलटकर किस वर्ष सैनिक शासन की पुनः स्थापना हुई? तो ये 1999 में। कौन से देशों ने मिलकर सन 1967 में आसियान की स्थापना की थी? वो कौन से देश हैं? तो इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, फिलीपींस, ये नहीं है ऑप्शन। फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, भारत, पाकिस्तान, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन ये भी नहीं है। मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और थाईलैंड, ये ऑप्शन सही है। किस देश को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता? तो कौन सा देश है वो? चीन। मालदीव को माना जाता है, भूटान है, पाकिस्तान है, तो चीन को नहीं माना जाता। संपूर्ण एशिया पद कितने देशों को इंगित करता है? तो ये 8 देशों को इंगित करता है। संपूर्ण दक्षिण एशिया जो अर्थ में है, उसमें समाया हुआ है, वो क्या है? विविधतापूर्ण। किस देश ने सन 1991 में पूर्व की ओर देखो या पूर्व की ओर चलो नीति अपनाई? तो ये भारत ने अपनाई थी। पूर्व की ओर देखो, पूर्व की ओर चलो की नीति का मतलब क्या है? तो भारत के जब हम मैप में देखें तो ये जो उत्तर पूर्व के स्टेट हैं, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और इधर बांग्लादेश, म्यांमार, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर, ये जो देश हैं, तो उत्तर पूर्व के स्टेट को इन देशों से जोड़ते हुए भारत अपने व्यापारिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को, सहयोग संबंधों को मजबूत करे, तो उस नीति को कहते हैं पूर्व की ओर देखो नीति, लुक ईस्ट नीति। और बाद में 2014 के बाद इस नीति का नाम बदला गया, एक्ट ईस्ट नीति। तो ये भारत के उत्तर पूर्व के स्टेटों को, राज्यों को पूर्व के देशों के साथ जोड़ने की जो नीति है, या आर्थिक संबंध मजबूत करने के लिए, व्यापारिक संबंध बढ़ाने के लिए जो नीति अपनाई गई है आसियान देशों के साथ, कहने का मतलब, हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था आसियान देश का एक ग्रुप है, इन देशों के साथ संबंध मजबूत करने की जो नीति है उसको कहते हैं लुक ईस्ट नीति और एक्ट ईस्ट नीति। पाकिस्तान और बांग्लादेश में किस तरह का शासन है? तो पाकिस्तान और बांग्लादेश जो भारत के पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश को 1971 में स्वतंत्र करवाया गया, पाकिस्तान 1945 में भारत से अलग हुआ था। पाकिस्तान दो भागों में बटा था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान में और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों में सैनिक शासन था, तो पूर्वी पाकिस्तान में जो अव्यवस्था उत्पन्न हुई, तो यहाँ के जो लीडर थे, नेता थे, मुजीब रहमान, उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए आंदोलन किया और 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। तो यहाँ कभी लोकतंत्र तो कभी सैनिक तंत्र रहा है, तो ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों प्रकार का शासन रहा है। दक्षेश किस सम्मेलन में मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर हुए? सार्क भी बोलते हैं दक्षेश को, तो ये 2000। श्रीलंका में शांति सेना किस वर्ष वापस बुलाई गई? तो श्रीलंका में शांति सेना भेजी किस वर्ष गई, बुलाई किस वर्ष गई? तो बुलाई 1989 में, भेजी कब गई? 1987 में, राजीव जयवर्धने समझौते द्वारा। भारत की तरफ से राजीव गांधी, श्रीलंका की तरफ से जयवर्धने, तो इस समझौते को कहते हैं राजीव जयवर्धने समझौता। साल कौन सी थी? 1977।
1977 में भेजी गई किस लिए? शांति सेना, शांति स्थापित करने के लिए, किस देश में? श्रीलंका में। दक्षिणी एशिया के बारे में निम्न में कौन सा कथन है वो गलत है? तो दक्षिणी एशिया में सिर्फ एक ही तरह की राजनीतिक प्रणाली प्रचलित रही है, ये ही ऑप्शन है गलत है। एक प्रकार की राजनीतिक प्रणाली प्रचलित नहीं रही, सभी देश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देश नहीं हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश में कभी सैनिक शासन तो कभी लोकतंत्र स्थापित रहा, नेपाल में कभी पहले राजतंत्र था फिर लोकतंत्र की स्थापना हुई फिर संविधान बना, और मालदीव में पहले सल्तनत था फिर गणतंत्र बना, भूटान में संवैधानिक राजतंत्र है, तो सब में राजनीतिक प्रणाली वो अलग अलग है, तो ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। बाकी तो ये बांग्लादेश और भारत के बीच नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किए गए बिल्कुल सही, साप्टा पर हस्ताक्षर इस्लामाबाद के 12वें सम्मेलन में हुए। दक्षिणी एशिया की राजनीति में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका की शीत युद्ध के बाद यानी जब द्विध्रुवीयता का अंत हुआ उसके बाद चीन और अमेरिका की जो भूमिका है वो दक्षिणी एशिया में बढ़ी है। तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम श्रीलंका सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कब से कर रहा है? 1983 से। किस देश का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद अधिक है? तो भारत का, पड़ोसी देश या कहें कि दक्षिणी एशिया का जो देश है जिसका सकल घरेलू उत्पाद सबसे ज़्यादा है वो कौन सा है? श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? फिलीपींस, इंडोनेशिया और चीन। भारत है सार्क यानी दक्षिणी क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य। दक्षिणी एशिया देशों में निम्न में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? तो इसमें चीन सम्मिलित नहीं है। भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 1998 में। पहला कब किया? 1974 में। कहाँ पे किया? राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण नामक जगह पे। समकालीन दक्षिणी एशिया के अन्य जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक थैंक्स, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी तैयारी को मजबूत करें, अभी से तैयारी में जुट जाएं और बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स बनाने का प्रयास करें, अपने और अपने पेरेंट्स के सपनों को साकार करें। इसी शुभकामना के साथ थैंक्स, ऑल द बेस्ट।